लगता है जापान के फूड स्टॉल अब कुत्ते चलाएंगे। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। सापोरो जापान में डॉग स्वीट पोटैटो शॉप के नाम से एक फूड स्टॉल खुल चुका है। शकरकंदी के इस स्टॉल का इंतजाम एक दिलकश कुत्ता संभालता है। सापोरो से ताल्लुक रखने वाली एक जापानी ट्विटर सारिफ ने इस माह के शुरू में फूड स्टॉल के बारे में ट्वीट की थी। इन खातून के शौहर ने इन्हें एक दिलचस्प मैसेज किया था जिसमें बताया गया था कि एक कुत्ता शकरकंदी फरोख्त कर रहा है। खातून ने इस मैसेज को मजाक समझा, जिस पर उनके शौहर ने उन्हें फूड स्टॉल की चंद तस्वीर भेजी। तस्वीर में एक कुत्ता बजाहिर भूखे ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। खातून ने यह तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की तो ये फौरन ही वायरल हो गए। शकरकंदी के जिस स्टॉल पर यह कुत्ता मौजूद है वो असल में सेल्फ सर्विस स्टॉल है और इस कुत्ते का काम बस स्टॉल पर मौजूद रहना है और ग्राहकों को देखते रहना है। सेल्फ सर्विस फूड स्टॉल पर ग्राहक खुद ही कंटेनर से भुनी हुई शकरकंदी लेकर 100 यन पैसों के बॉक्स में डाल देते हैं। इस फूड स्टॉल पर चूंकि सिर्फ एक कुत्ते को बतौर मुलाजिम रखा गया है, इसलिए लोग भी इसे खासी तवज्जो देते हैं। जापानी टीवी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस फूड स्टॉल के बारे में खबरें दी हैं। ताहम सारिफीन ने फूड स्टॉल के मालिक पर जानवरों से जालिमाना बर्ताव का इल्ज़ाम भी आयद किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।